हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ये देखिए, आज मेरा ये वीडियो पूजा से ही शुरुआत हुआ है। मेरा सारा काम हो चुका है, बस अब ब्रेकफास्ट बनाना है। चलिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट में आज मैं आलू गोभी मटर की सब्जी और मेथी का पराठा बनाने वाली हूँ। और ये देखिए, मेरा सब्जी ऑलमोस्ट आधा तैयार हो चुका है। बस अब इसमें पानी डाल के अब इसे थोड़ी देर पकने देंगे, इसके बाद मेरा सब्जी तैयार हो जाएगा। अब इसमें धनिया का पत्ता ऐड कर लेते हैं, इसके बाद इसे ढक के छोड़ देंगे। ये पकते रहेगा जब तक मैं इधर मेथी का पराठा बनाने का तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 4-5 लहसुन का कली ली हूँ और 4-5 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। चलिए इसे दम बारीकी से काट लेंगे, छोटा छोटा लहसुन अदरक और हरा मिर्चा को। चलिए ये तो कट हो चुका है, अब आटा गूंथने का तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेथी को 1 घंटा पहले ही काट के धो के अच्छी तरह से रख दी थी, क्योंकि इसका सारा पानी अच्छा से गिर जाए। चलिए अब आटा ले लेते हैं, इसमें मेथी ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से आटे में मिला लेंगे और जो जो सामग्री मैंने काट के यहाँ पर रख ली थी मैं इसमें मिला लेती हूँ। हरा मिर्चा, लहसुन, अदरक, ये सब इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, मसाले वगैरह भी, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्चा। इससे क्या होता है कि आपका कलर अच्छा आता है पराठे का। और यहाँ देखिए, मैंने हल्का सा अजवाइन वगैरह भी ले लिया है, इसे हाथों से अच्छी तरह से मैश करके इसमें मैं डाल दूँगी, इससे इसका स्वाद अच्छा आता है। मैं बस ये प्लेन पराठा मेथी का बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो मसाले वगैरह भी डाल के बना सकते हैं। अब इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। इसे ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा गीला, बस मीडियम इसे रखेंगे। इसे अच्छी तरह से हाथों के सहारे इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। इस गूंथने के बाद इसे मैं 10 मिनट तक ढक कर छोड़ दूंगी, उसके बाद ही मैं इसे बनाऊंगी। 10 मिनट हो चुका था, चलिए पराठे बना लेते हैं। देखिए ये पराठा तैयार हो चुका है, अब दूसरा बना लेते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो। देखिए ये दूसरा पराठा भी तैयार हो चुका है। चलिए अब बच्चे लोग को ब्रेकफास्ट दे देते हैं, वो लोग कर लेगा। आइए आप लोग भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।